हेलो गाइस, स्वागत है हमारे एक न्यू ब्लॉग में। तो आज मैं आया हूँ वासी। तो वासी एक खूबसूरत से नज़ारे हैं यहाँ, इसको बोलते हैं नवी मुंबई, न्यू मुंबई इसको बोलते हैं। देख रहे हैं इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिसे लगता है टर्मिनस है। एक टर्मिनस नहीं है, सिर्फ वासी स्टेशन है। इसके आगे पनवेल जाता है, बहुत आगे स्टेशन है। तो आज हम सफ़र करने वाले हैं वासी से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस तक। फुल ट्रेवलिंग देखना वीडियो, वीडियो पसंद आया तो लाइक से शेयर जरूर कर देना यार। यहाँ सब पर एक ऐसा बोर्ड लगा हुआ है जैसे CST अंधेरी का, पनवेल का, ऐसे बहुत सारे बोर्ड लगे हैं। और अंडरग्राउंड ही रास्ता है यहाँ, ऊपर ब्रिज नहीं है। जैसे हम लोग चढ़ते ब्रिज ना, यहाँ पर नहीं, अंडरग्राउंड रास्ता है। देख सकते हो हर जगह पे ऐसा बोर्ड लगा हुआ है, मतलब आप यहाँ पर आओगे नवी मुंबई के साइड तो आराम से आप ट्रेन पकड़ सकते हो, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। देख सकते हो, देख लो, बहुत बड़ा समुंदर है ये, खाड़ी नहीं है, बहुत बड़ा समुंदर है। भाई कुछ इधर तो दिख ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। तो फाइनली हमारी ट्रेन स्टेशन पे खड़ी हो चुकी है यार, कमाल का यार सफ़र था। और ऊपर से जो वासी का आपने इतनी बड़ी खाड़ी देखी है, बहुत बड़ी खाड़ी है वासी का, मतलब मुंबई का समझ लो सबसे बड़ा खाड़ी वही है वासी का। तो नवी मुंबई था, न्यू मुंबई, अब तो ये सब जूनियर मुंबई हो चुके हैं।
जी महाराज टर्मिनल हम लोग पहुँच चुके हैं, तो देख सकते हो बस इससे मतलब 100 मीटर पहले ही खड़ी हो चुकी है, तो बस खुल गई वापस से।